अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाना है ऑनलाइन का। देखो ऋषि, पढ़ो भाई जीनत, पढ़ाई करो। पढ़ाई याद हो गया, पूछे टाई आस्क। ओके, पूछ लो, इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो पूछ लो। बहुत बढ़िया नोट्स बन गए आपके इस चैप्टर में, बहुत डिटेल में। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। देखो, कभी भी कोई भी डाउट हो वो रोज़ पूछ लिया करो। इकट्ठा पूछने से क्या है ना, इकट्ठा बताना भी तो मुश्किल होता है ना, क्योंकि सबको बताना पड़ता है। रोज़ पूछते गए। हर्ष, वो किताब मिली मैथ की? ढूंढी आपने एक बार और कोशिश की? अनामिका, तुम्हें मिली मैथ की किताब? नहीं मिली। इस क्लास में किसी को मैथ की किताब मिली क्या? एक शिवलाल की? नहीं मिली। अब अनामिका, एक बार तुम उसको ठंडे माइंड से एक बार रिमेम्बर कर लो, एक बार कोशिश करो, है ना। देखो, जाएगी कहीं नहीं, दो में से किसी एक के पास ही होगी, है ना। एक बार अच्छे से ध्यान कर लो, अगर मिल जाए तो बता देना, वो भी परेशान हो रहा होगा। और नहीं मिले तो फिर भी बता देना, हमें बता देना, हम अरेंज कर देंगे आपके लिए एक बुक। डाउट पूछिए। कौन सा बेटा? ब्रिज आपको यही बता दें, लो वहाँ लिखेगा, टाइप लगेगा। देखो, ब्रिज नेमिंग में क्या करना है, देखो ये दो मेटल है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, टोटल की निकाल लेना, और जो आए आधी आधी दे देना। देखो, 4 × 0 = 0, 4 × 0 = 0, −1 −1 −2, इस पे −1 होता है, और SO4 पे 1 पे −2, तो 2 पे −4, −4 −2 −6, टोटल पे चार्ज 0 था, उस साइड 0 रख दिया, माइनस इस साइड गई +6, 2 हैं तो +3 + 6 दे दो। नेमिंग में देखो ऐसे चलना है, ये ध्यान रखना है कि जब भी ब्रिज वाला लिगेंड, ए ब्रिज वाला लिगेंड आए तो उसको अल्फाबेटिकल बोलना, साथ में म्यू लगाते जाना। तो देखो, टेट्रा एमाइन, अच्छा देख लें कि पॉजिटिव था कि नेगेटिव, हालांकि ये वाले हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे, मतलब इसको कोबाल्ट ही बोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट थर्ड हो गया। अमीडो हाइड्रोक्साइडो, अमीडो बोलते हैं इसको, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर यहाँ आ गए टेट्रा एमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, खत्म। इसका देखो जी, तो वही हो गया, ये देखो। अब देखो जो ये वाला आया, इसमें है क्या, इसमें एक ऐसा लिगेंड लगा हुआ है, पहले से एक ऐसा लिगेंड लगा हुआ है आपके इसमें, जिसके नाम में ही डाई है, इथाइलीन डाइएमाइन, तो जिसके नाम में स्वयं डाई हो उसके नंबर बताने के लिए विस ट्रिस का यूज करते हैं। तो विस इथाइलिन डाई, एक दूसरा वाला एक याद करना है ना, दूसरा वाला मत सीखना नाम, एक सीखना नहीं तो कन्फ्यूज जाओगे। विस इथाइलिन डाइमाइन, अच्छा टोटल ऑक्सीजन स्टेट, 1 2 4 −6, उस साइड गई +6, +3 + 6, विस इथाइलिन डाइमाइन कोबाल्ट थर्ड, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रो, बिस इथाइलिन डाइमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, खत्म। ऐसी कर लेंगे, बन जाएगी। और पूछो जिसको जो डाउट हो, लगाए गेट, मुझे गेट लगा दिए। ऑप्टिकल आइस में बिल्कुल सिंपल है, आपको ये बोलना है कि सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गए, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन जो स्पेस में होगा लिगेंड का, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। कंपाउंड सेविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला,
पर डिफरेंट स्पेसी डिफरेंट रोटेशन इन स्पेस और डिफरेंट स्पेशियल रोटेशन कॉल ऑप्टिकल आइसोमर्स द फिनोमिना इज कॉल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रो डी प्लस यूज करेंगे जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा पीपीएल का। लीबियो रोटेटरी लीबियो माइनस और एल यूज करेंगे जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही शो करेंगे जिस जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज या कायरल होंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब उसकी मिरर इमेज जब हम बनाएं तो उसकी जस्ट उल्टी बने तो वो कहलाएंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पाई जाएगी, टेट्रा में नहीं पाई जाएगी। ऑक्टाहेड्रल में भी सिस वाला शो करेगा, ट्रांस वाला शो नहीं करेगा। ट्रांस वाला का रोटेशन क्या हो जाएगा, देखो ये जो ट्रांस है आपका जे नहीं है ट्रांस, ये तो सिस ही है, जे है ट्रांस। अब इसकी मिरर भी बना लो तो यही बनेगी, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं हुआ ना, तो ये शो नहीं। तो वही तो कहा ना कि ट्रांस वाले शो नहीं करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि बिल्कुल सेम बनेगा ना रोटेशन। अब मॉलिक्यूल थोड़ी हमें इनकी शक्ल थोड़ी चेंज करनी, हमें ये रोटेशन चेक करना है कि इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी। अब हमें इसको ऐसे सिंबल वाइज नहीं देखना कि इनको उल्टा बना दे एच को, हमें कॉमन सेंस वाइज देखना है कि अगर ये ऑक्टाहेड्रल है और ऐसे एक्सेस पे पड़े हुए हैं तो इसी एक्सेस पे वापस यहाँ पर आएंगे, ट्रांस का अपोजिट वही आएगा ना। जैसे हम कह रहे हैं मान लो इन सब में ओ लगा है एक मान लो ऐसे, तो अगर हम इसका देखेंगे तो वही आएगी ना, एक्सेस तो नहीं पलटेगी ना, और इसमें एक्सेस पलट जाएगी पूरी, इस साइड का कहाँ आ जाएगा इस साइड है ना, पलट जाएगा। ख़त्म है, इतनी से बोलना है, इतना फिर बोल देना सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज लीबियो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज नॉन सुपर इम्पोजिबल कायलिटी एक ऑक्टाहेड्रल सिस वाला एग्जाम्पल दे देना एक दो, ख़त्म। और बताओ चलिए तो फिर ठीक है बच्चों, देखो आज बेसिक चल रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। अगर आपसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जैसा इसका हाल होगा, पूरे अपने आप लगा जाओगे आप ऑल जितने भी क्वेश्चन होंगे, है ना। तो देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है और इसका पूरा आज का कॉन्सेप्ट समझते। आपके एग्जाम में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं आती है, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे या ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, है ना। डाली हेडिंग CFT चलो पढ़ने में एक बार बैठ लो, जैसे भी बैठना अच्छे से। हाँ तो एक बार बैठ लो, हम तो खुद कह रहे हैं एक बार बैठ लो जैसा बैठना है अच्छे से, और फिर पढ़ाई में मन लगाओ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखिए, टेल्स अबाउट टेल्स अबाउट एवरीथिंग सब कुछ बताती है, हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाना पड़ेगा इस थ्योरी में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिटिंग एनर्जी सब बताएगी थ्योरी। टेल्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो। टेल अबाउट एवरीथिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सब कुछ पता चलेगा इस थ्योरी से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टेल्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। लिखिए सम इम्पोर्टेंट, अब भले ही लिख सम रहे हैं लेकिन पढ़ेंगे तो सभी है ना, सम इम्पोर्टेंट पंचलाइन है तो लिख दिया सम इम्पोर्टेंट, हालांकि हम पढ़ने तो वाले हैं ऑल इम्पोर्टेंट। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट्स लिख सकते हो, पोस्टुलेट्स लिख सकते हो। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोविंग्स, इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोविंग्स, ठीक है। एक एक चीज समझते चलना ना बच्चों, इस थ्योरी के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोविंग्स, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्प्लिटिंग देखते हैं, व्हाट इज स्प्लिटिंग, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हम देख रहे हैं स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो बच्चों अगर हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात करें तो दो केस में देखेंगे, एक ऑक्टाहेड्रल केस में और एक टेट्राहेड्रल केस में। ऑक्टाहेड्रल केस में स्प्लिटिंग अलग तरीके से होती है, टेट्राहेड्रल केस में स्प्लिटिंग अलग तरीके से होती है। हालांकि 99.99% हमें ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एकाध एक्सेप्शनल क्वेश्चन पड़ा हुआ है उसमें हमें टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की केस में जाने से पहले हम आपको पहले डी ऑर्बिटल बताना चाहेंगे। देखिए जो डी ऑर्बिटल्स हैं हमारी, ठीक है, सब कुछ नोट करना है बच्चों, तभी आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे अच्छे से। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके नंबर हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इन पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, जैसे कि पी के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इन तीनों के 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, लगभग बराबर है, इसलिए इनको एक एनर्जी लेवल में रखा गया है अबाहु के अकॉर्डिंग, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सब बराबर। और इस प्रकार के ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डीजनरेट। तो आपसे कोई पूछे डी ऑर्बिटल के पास कितने डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो आंसर है 5। अभी इन ये डीजनरेट से जनरेट हो जाएंगे, स्प्लिट होंगे, तो वो स्प्लिटिंग हम बाद में देखेंगे। अभी पहले डी ऑर्बिटल समझते हैं। अब देखो ये डी ऑर्बिटल भी एक्सिस पे
या तो बिटवीन ऑफ एक्सिस पड़े हुए हैं या अलोंग द एक्सिस पड़े हुए हैं। अब बिटवीन द एक्सिस क्या होता है, अलोंग द एक्सिस क्या होता है, वो हम बताते हैं। ठीक है, पहले इन डी ऑर्बिटल के नाम देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला वाला ही डी एक्स वाई कहलाएगा, किसी को भी डी एक्स वाई मान सकते हो क्योंकि इन पांचों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। लेकिन एक सिंपलिसिटी के लिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बोलने में थोड़ा सा सिंपल लगता है, इसलिए पहले वाले डी ऑर्बिटल को हमने मान लिया डी एक्स वाई, दूसरे वाले को हमने मान लिया डी वाई जेड, थर्ड वाले को हमने मान लिया डी जेड एक्स। ठीक है, ये जो तीन ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, ये जो तीन होते हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस। कैसे सर बिटवीन द एक्सिस, बेस अब भी बना देना स्ट्रक्चर हम, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं आपके, और इनको कहा जाता है टी टू जी। क्या कहा जाता है, टी टू जी कहा जाता है, टी टू जी। अब बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि दो को टी टू जी कहा जाता है कि तीन को, तो उसकी भी ट्रिक बताते हैं छोटी छोटी सी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टी टू जी। एक्स वाई वाई जे जेड एक्स ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इनको कहा जाता है टी टू जी। और ये जो होते हैं दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये वाला डी जेड स्क्वायर, हम पहले बता रहे हैं इसमें से ना तो कोई पहला है ना कोई दूसरा है, सभी के सभी पांचों की एनर्जी बराबर है। आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में बना सकते हो, एक फॉर्मेट है तो ऐसे लिख देते हैं। ये होते हैं एक्सिस पे चढ़ के, अलोंग द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, है ना। ये सिर्फ बच्चों आपको समझना है, बिल्कुल सिर्फ समझना है, ये होते हैं अलोंग द एक्सिस और इनको कहा जाता है ई जी। अभी टी टू जी और ई जी की एनर्जी में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। द एनर्जी ऑफ टी टू जी डी ऑर्बिटल्स एंड ई जी डी ऑर्बिटल्स बिल्कुल इक्वल है, अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई। स्प्लिटिंग तब होगी जब कोई इससे बॉन्डिंग करने आएगा, तब ये तीन और दो के सेट में टूटता है टी टू जी एंड ई जी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे तो टी टू जी नीचे आता है, ई जी ऊपर जाता है, क्यों ऐसा वो भी बताएंगे। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे तो ई जी नीचे आता है और टी टू जी ऊपर जाता है। हालांकि हम फिर बता रहे हैं हमें 99.9% ऑक्टाहेड्रल की जरूरत पड़नी है, लेकिन 1% हमें उसकी ही पड़ेगी। अभी इतना लिखिए फिर आगे बताते हैं, लिखते चलो आ जाएगी, हमें पता है वो अभी स्टार्ट हुई है ना, लिखते चलो पूरी अपने आप समझ में आ जाएगी, कुछ अपने आप लोग करना चालू कर दोगे। ये बेटा कैसे लिख रहे हो, पूरा गलत लिखा है। डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये तीन है, कहाँ पहुँच गए, पूरा गलत है, नहीं दिख रहा क्या सही यहाँ से, इतना गलत कैसे लिख रहे हो। पाँच है, एक दो तीन, उसका तो सही लिखा है, ध्यान रखना जे 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 चाहे तीन लगा लो, गलत नहीं लिखो भाई, कशिश हम ऐसे हर बार थोड़ी देखेंगे, आराम से लिखो।
अब देखो बच्चों, एक ट्रिक ये होती है कि तीन वाले को टी टू जी बोला जाता है, दो वाले को ई जी। तो एक छोटा सा हमने ऐसे ही अपने मन से बना रखा है कि टी टू जी में तीन हमारे, एक डिजिट दो लेटर आ रहे हैं, मतलब तीन आ रहे हैं कुल, एक दो तीन, एक दो तीन। तो टी टू जी में तीन होंगे और ई जी में दो। ये बहुत होता है डाउट है कि ई जी में तीन थे कि टी टू जी में तीन थे, ये बहुत डाउट फंसाता है बच्चों को। अभी तो नहीं फंसाएगा लेकिन कुछ समय बाद फंसाता है। तो अब हमने ऐसे इसकी ट्रिक बना रखी कि इसमें तीन है, वन टू थ्री, तो तीन होंगे टी टू जी और बाकी होंगे ई जी। हालांकि आपको आगे जाके इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एस स्क्वायर माइनस वाई जेड, कुछ इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ, इसकी पड़ने वाली ज़रूरत टी टू जी और ई जी की। बच्चों अभी ये नॉर्मल कंडीशन में जो डी और वाइटल हैं, ये पेंटा डी जनरेट है, मतलब इन पांचों की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, है ना, बिल्कुल बराबर है। मतलब मेटल जब अकेला होगा, वो किसी से बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो उसके डी और वाइटल ऐसे ही पड़े रहते हैं। ऐसे बॉन्डिंग के समय ये स्प्लिट होंगे, है ना, कोई भी मेटल होगा ना, तो ये कहलाते हैं पेंटा डी जनरेट, पेंटा डी जनरेट। और वाइटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, मतलब फाइव और वाइटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, आपका ट्रिपली डी जनरेट होता तो थ्री हो जाता। फाइव और वाइटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, सिर्फ अपने दिमाग में इन चीज़ों को फिट करते जाओ, कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना। अभी तो आपको ए बी सी डी सिखा रहे हैं हम, फिर उससे वर्ड लिखना सिखाएंगे, फिर लाइन और फिर पैराग्राफ। कौन है, खोल दो खोल दो जाओ। अब उसको अंदर पढ़ने की तो बहुत लगन है, फिर चाहिए पढ़ता नहीं, बातें तो सुनता है। पेंटा डी जनरेट, फाइव और वाइटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। फाइव और वाई, पेंटा डी जनरेट मतलब फाइव और वाइटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, ठीक है। जे कब होते हैं, जे होते हैं इन नॉर्मल केस, इन नॉर्मल केस। हम बताए ना बच्चों, इनकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जब आप थ्योरी पढ़ा देंगे हम आपको पूरी, आप कहोगे सर ये सब हमें क्यों पढ़ा दिया था आपने। लेकिन बच्चों ना पढ़ाएंगे तो फिर बेसिक वीक रह जाएगा, फंसोगे फिर। इन नॉर्मल केस व्हेन मेटल वेट हो भैया, आप दाऊ साहब का कस पी दें। इन नॉर्मल केस व्हेन मेटल इज नॉट इन बॉन्डिंग, आराम से सफाई से लिखना हर चीज, ठीक है। मतलब जितने भी मेटल हैं अगर वो बॉन्ड नहीं करेंगे तो उसके डी और वाइटल ऐसे होंगे, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा बता दें कि बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस क्या होता है। इन नॉर्मल केस व्हेन मेटल इज नॉट इन बॉन्डिंग, तो चलिए हम इन पांचों की आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं एक बार। क्या देख लोगे स्ट्रक्चर तो आपको बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखो बच्चों, आपको टोटल तीन एक्सिस दिख रही है यहाँ पर, एक्स वाई एंड जेड, लेकिन एक बार में मैक्सिमम दो यूज हो रही हैं या फिर एक यूज हो रही है, ठीक है। तो देखो
जैसे हम डी ऑर्बिटल आप जानते हो डबल डंबेल होते हैं ना, तो ए हमने बनाया, ठीक है, तो एक डंबल हमने ये बना दिया, ठीक है, और एक डंबल हमने ये बना दिया, तो ये डी ऑर्बिटल हो गया आपका, है ना, दिस इज द डी ऑर्बिटल। अब इसको आपको एक्स वाई बनाना है, तो किसी भी एक एक्सिस को एक्स मान लो और किसी भी एक एक्सिस को वाई मान लो। तो देखिए ये जो डी ऑर्बिटल आए ये एक्सिस के बिटवीन में आए हैं, बीच में, तो दिस इज कॉल्ड बिटवीन द एक्सिस। नोट करिए इसे, ये डी एक्स वाई। अब यहीं पर हम वाई जेड लिख देंगे तो ये वाला बन जाएगा, इसी में हम जेड एक्स लिख देंगे तो ये वाले, नीचे वाई मान लो ऊपर एक्स मान लो, थ्री डी एक्सिस हैं, किसी को कुछ भी मान सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि नीचे वाली को एक्स मानना है ऊपर वाली को वाई मानना है। ए डी एक्स वाई हो गया। अब बस इसी को फिर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम, कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली इन स्ट्रक्चर की भविष्य में आपको, वही सेम स्ट्रक्चर है बच्चों, बस एक एक्सिस का नाम वाई रख दिया एक का जेड, तो डी वाई जेड हो गया। और एक अब रख देंगे जेड एक्स। हमारा काम ये था बस आपको कि फील आ जाए कि बिटवीन द एक्सिस होता क्या है, किसी को भी जेड मान लो किसी को भी एक्स मान लो। तो जे हो गए बच्चों बिटवीन द एक्सिस, एक्स वाई वाई जे जेड, इनको कहा जाता है टी टू जी। बिटवीन द एक्सिस है, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस से क्या होगा हमें ये पता चल जाएगा कि स्प्लिटिंग में टी टू जी नीचे क्यों आया और ई जी ऊपर क्यों गया, या ई जी क्यों नीचे आया और टी टू जी ऊपर गया। ऑक्टा हेड्रल में टी टू जी नीचे रहता है ई जी ऊपर रहता है, और टेट्रा हेड्रल में ई जी नीचे रहता है और टी टू जी ऊपर रहता है। हालांकि हम बता दें टेट्रा हेड्रल में ई जी नहीं कहा जाता, ई कहा जाता है, और टी टू जी नहीं कहा के टी टू कहा जाता है, लेकिन कई बुक में आपको ई जी टी टू जी लिखा मिलेगा तो हम दोनों लिखवा देंगे। अब देखिए बच्चों अलोंग द एक्सिस मतलब एक्सिस पे चढ़ाई होगी, अब तो पहले चढ़ाई करनी है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर पे। तो देखिए किसी को भी एक्स मान लीजिए और किसी को भी वाई मान लीजिए, जैसे इसको एक्स मान लिया और इसको वाई मान लिया, तो अलोंग द एक्सिस मतलब एक्सिस पे चढ़ाई कर देनी है आपको जी। दिस इज एक्स स्क्वायर, है ना, देखो ये एक्सिस के बीच में थे, जे एक्सिस पे हैं, तो जे हो गया एक्स स्क्वायर और जे हो गया वाई स्क्वायर।